जन्म कुंडली का सिक्स हाउस हमारे कंपटीशन, हमारे कंप्यूटर्स, हमारे डेब्ट्स, हमारे लोन मैनेजमेंट, हमारे रिस्क, हमारे डिसीजेस को कंट्रोल करता है। जब भी हम जन्म कुंडली के सिक्स हाउस के बारे में बात करते हैं तो अधिकांश देश के बारे में नकारात्मक बातें सामने आती है, क्योंकि हमारे शत्रुओं को दिखाता है, हमारे रोगों को दिखाता है, हमें कर्ज देता है। किंतु एक वास्तविकता ये है कि जन्म कुंडली का सिक्स हाउस हमें एक अच्छा गेन दे सकता है, एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी दे सकता है। जन्म कुंडली के सेकंड हाउस को हमारे मनी का, हमारे बैंक बैलेंस का हाउस माना गया है। नाड़ी ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि किसी भी राशि अथवा किसी भी भाव से त्रिकोण में आने वाली राशि या भाव में लगभग लगभग 80% तक सिमिलरिटीज होती हैं। ये भाव एक दूसरे के सपोर्टर भाव होते हैं। तो जन्म कुंडली का सेकंड हाउस अर्थ त्रिकोण का भाव माना जाता है, जो कि हमें बैंक बैलेंस और पैसा देता है। तो ऐसे में द्वितीय भाव के त्रिकोण में आने के कारण जन्म कुंडली का सिक्स हाउस भी अपने आप में विभाव है, जो कि हमें एक अच्छा फाइनेंशियल गेन दे सकता है। किंतु यहाँ पर अंतर आ जाता है। सेकंड हाउस हमारे बैंक में जो इनकम सेव हो रही है उसको दिखाता है, किंतु सिक्स हाउस हमें लोन मैनेजमेंट के थ्रू जो भी हमारे पास इनकम आती है या लोन मैनेजमेंट के थ्रू हम अपनी लाइफ में जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं उसको कंट्रोल करता है। अब आप अपने आप में सोचिएगा कि क्या कोई बड़ा बिजनेसमैन ऐसा होगा जिसके पास पैसा तो बहुत है किंतु डेब्ट्स नहीं है। आज के समय की अगर बात करें तो अगर किसी व्यक्ति के पास कैश है भी, बैंक बैलेंस अच्छा खासा है, तब भी रूल एंड रेगुलेशंस के चलते लोग टैक्स बचाने के चलते लोन्स लेते हैं। तो जन्म कुंडली का सिक्स हाउस वह हाउस है जो कि हमें लोन दिलाता है, किंतु ये ज़रूरी नहीं कि हर बार वह लोन हमें नुकसान ही दे। हो सकता है कि वह लोन हमारे फ़ायदे के लिए हो, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए हो। इसलिए जन्म कुंडली का सिक्स हाउस हमारे लोन को मैनेज करता है और हमें उस लोन से भी फ़ायदा करा सकता है। जन्म कुंडली के सेकेंड हाउस के लॉर्ड का रिलेशन जब भी जन्म कुंडली के सिक्स लॉर्ड से बनेगा तो ऐसे में बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्ति का लोन मैनेजमेंट होगा और व्यक्ति लोन लेकर भी कुछ ना कुछ कमा पाएगा। अब आप सोचिएगा, आप बैंक से इंटरेस्ट ले, कोई पैसा लेते हैं, इंटरेस्ट पर लेते हैं कि 12-15% के बीच में, और आप उसी पैसे का यूज़ करके 30% तक मार्जिन कर लेते हैं, 30% तक अगर प्रॉफिट कर लेते हैं तो आपका 15% नेट प्रॉफिट हो जाता है। तो ऐसे में सिक्स हाउस भी आपके लिए इनकम का कारक बन जाता है, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण के भाव है। ये आपको लोन से दें, बैंक बैलेंस से दें या प्रोफेशन से दें, किसी भी तरह से दें, किसी ना किसी तरह से आपको एंड ऑफ द डे आपको फ़ायदा कराएंगे। अब ये बात अलग है कि सिक्स हाउस बहुत ज़्यादा पीड़ित है या सिक्स लॉर्ड बहुत ज़्यादा पीड़ित है। सेकंड लॉर्ड किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा पीड़ित है सेकंड हाउस, क्योंकि आपकी सेविंग्स को कंट्रोल करेगा। अब किसी की सेविंग्स ही नहीं हो पा रही है, सेकंड हाउस ही अगर किसी का बिल्कुल डिस्ट्रॉय है, तब आप सिक्स हाउस को वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। किंतु ऐसा भी नहीं है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेकंड लॉर्ड सिक्स हाउस रिलेशन बनाएगा या सेकंड लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठेगा तो केवल आपको फ़ायदा ही देगा, क्योंकि सिक्स हाउस की अपनी कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि वो डिसीजेस को भी दिखाता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कुछ इश्यूज भी देगा। जैसे कि सेकंड लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में बैठा है तो आपको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में, फैमिली का जो सेविंग्स है या बैंक बैलेंस है उसको प्राप्त करने में कई बार इश्यूज आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है और उसके बाद जो बैंक में पैसा है उसको रिलीज़ कराने के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सिक्स हाउस मुकदमेबाजी का हाउस है, लिटिगेशन का हाउस है, और सेकंड हाउस फैमिली का, यानी कि फैमिली मनी को आपको लिटिगेशन के थ्रू हासिल करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि भाइयों भाइयों में विवाद होता है और उस विवाद में एक भाई दूसरा भाई पर केस कर देता है और जो फैमिली की प्रॉपर्टी या फैमिली का जो बैलेंस है, पैसा है, वो कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड हो जाता है और वहाँ पर आपको इश्यू होता है। किंतु लाइफ टाइम नुकसान नहीं देता, देर सवेर के लिए आपको कहीं ना कहीं सिक्स हाउस अपनी क्वालिटीज़ के हिसाब से आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो वहाँ पर आपको इशू दे सकता है, किंतु एंड ऑफ द डे आपको बेनिफिट देकर जाएगा ही जाएगा। सिक्स हाउस रिस्क का हाउस है और सेकंड हाउस पैसे का हाउस है। तो जब भी सेकंड लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठेगा तो ऐसे में व्यक्ति को एक क्वालिटी दे देगा कि वो पैसे के मामले में रिस्की हो जाएगा, वो इन्वेस्ट करने से पहले सोचेगा नहीं, इन्वेस्ट कर देगा। और अगर सेकंड हाउस और सिक्स हाउस ठीक ठाक अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में प्लेस्ड हैं, उनकी स्ट्रेंथ ठीक ठाक है, तो वो रिस्क उसके बेनिफिट में बदल जाता है,
ऐसे लोग अक्सर लोन मैनेजमेंट बहुत बढ़िया से करते हैं, लोन का किस तरह से एनालिसिस करना है वो सारी की सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से करते हैं। और कई बार सिक्स हाउस में अगर सेकंड लॉर्ड बैठ जाता है तो ऐसे लोग मनी लॉन्ड्रिंग जैसे प्रोफेशन से भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि टेंथ हाउस प्रोफेशन का हाउस है, सेकंड हाउस मनी का है और सिक्स हाउस डिस्प्यूट्स का हाउस है, यानी कि कहीं ना कहीं पैसे का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि वो डिस्प्यूटेड है या पैसे से ही किसी तरह का लोन लेने या देने का काम करना शुरू कर देते हैं, या फिर किसी तरह के इंश्योरेंस सेक्टर में भी ऐसे लोग एक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस दिला रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस दिला रहे हैं, क्योंकि सिक्स हाउस अगेन रोगों का हाउस है, सेकेंड हाउस मनी का है, टेंथ हाउस प्रोफेशन का है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन को हेल्थ और पैसे से जोड़ेगा। और अगर हम इसको मिक्स करें हेल्थ प्रोफेशन और पैसा, तो कई बार निकल कर आता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस से डील कर सकते हैं। सेकंड लॉर्ड जब भी जन्म कुंडली के सिक्स हाउस में बैठता है तो सेकंड हाउस हमारे फेस को भी कंट्रोल करता है और सिक्स हाउस जैसे कि डिसीजेस को शो करता है। तो ऐसे में कई बार होता है कि किसी व्यक्ति को कोई फेस पर किसी तरह का कोई मार्क दे दे या फिर चेहरे से रिलेटेड किसी तरह की कोई बीमारी दे सकता है। सेकेंड हाउस आपकी फैमिली का हाउस है और सिक्स हाउस क्योंकि मुकदमेबाजी को भी शो करता है, और मुकदमेबाजी नहीं केवल आपको अगर लॉ जैसे प्रोफेशन है उसको भी कंट्रोल करता है। तो कई बार ऐसे लोगों की फैमिली में लॉ से रिलेटेड व्यक्ति बहुत ज़्यादा होते हैं, हो सकता है कि फैमिली में कोई व्यक्ति लॉ से ही डील कर रहा हो। अब सेकेंड हाउस हमारे घर की फीमेल्स को भी कंट्रोल करता है, तो जब भी सेकेंड लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठेगा तो ऐसा भी देखा जाता है कि घर की फीमेल्स को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, या फिर घर की कोई फीमेल व्यक्ति के ऊपर एक लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि सिक्स हाउस लायबिलिटी का भी है। तो होता है कि घर की किसी फीमेल के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई हो या किसी भी वजह से कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें कि कोई फीमेल या कोई बच्चा जो उसका अपना नहीं है मगर उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर हो सकता है वो खुशी से हो सकता है वो ज़बरदस्ती की हो। इन शॉर्ट ये देखा गया है कि सेकंड लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठकर इस तरह की लायबिलिटी कई बार दे देता है। सेकंड लॉर्ड जब भी जन्म कुंडली के सिक्स हाउस में बैठेगा तो वो आपकी जन्म कुंडली के ट्वेल्थ हाउस पर अपनी एस्पेक्ट रखेगा, और ट्वेल्थ हाउस क्या है, डिटैचमेंट का हाउस है। और सिक्स हाउस में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वो क्या है, आपको लोन्स देता है, और लोन्स अब ऐसा नहीं प्रेजेंट लाइफ के लोन्स है, जो पूर्व जन्मों के भी ऋण हैं उनको भी हमारी जन्म कुंडली का सिक्स हाउस ही दिखाता है। तो जब भी सेकंड लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठेगा तो वो एस्पेक्ट रखेगा ट्वेल्थ हाउस पर, ट्वेल्थ हाउस मोक्ष का हाउस है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, इस तरह के इन्वॉल्वमेंट में रहते हैं कि जिससे कि उनकी पास्ट लाइफ के कुछ ना कुछ ऋण बंधन कटते जाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि सेकंड लॉर्ड जब जन्म कुंडली के सिक्स हाउस में बैठता है तो लोगों का अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई ना कोई एक सीरियस पेंडिंग कर्मा होता है, पास्ट लाइफ का एक सीरियस डेब्ट होता है जिसको वो इस जन्म में भोगते हैं या चुकाते हैं। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसलिए इस तरह की कंडीशन बनती है कि किसी फीमेल का आपके ऊपर, फीमेल की कोई लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, क्योंकि वो एक ऋण बंधन है जिसको चुकाने के लिए आपका जन्म हुआ है, या फिर वो फीमेल एक ऋण बनकर आपके ऊपर एक लायबिलिटी बनी है जिसको आपका सेकंड लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठकर ट्वेल्थ हाउस को देखकर एक डिटैचमेंट, एक मुक्ति को देखता है। तो इस जन्म में अगर आपको इस तरह की कोई लायबिलिटी ईश्वर ने दी है तो उसको सहर्ष स्वीकार कीजिएगा ताकि आपके पास्ट बर्थ के वो पेंडिंग कर्म छूट सके। इसके बाद जब भी सेकंड लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठेगा तो आपके टेंथ हाउस पर भी अपना त्रिकोणीय प्रभाव रखेगा, और टेंथ हाउस आपके प्रोफेशन का हाउस है। तो ऐसे में लोगों को एक अच्छा प्रोफेशन देने में सक्षम होता है। ऐसा हो सकता है कि आपके प्रोफेशन में आपके बहुत ज़्यादा कंपटीटर हो, आपको ये कंप्लेन हो सकती है कि भाई मेरे प्रोफेशन में लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, या फिर मेरी जॉब में मुझे मेरे साथी लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मेरा बॉस मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। किंतु कहीं से कहीं तक भी ये इशू आपकी फाइनेंशियल गेन में और आपकी सक्सेस में इशू नहीं बनता। इवन जब सिक्स हाउस किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और स्पेशली सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में बैठे, तो ऐसे में व्यक्ति को जितना ज़्यादा सामने वाला परेशान कर रहा है, उसका बॉस जितना ज़्यादा परेशान कर रहा है, उसके कंप्यूटर जितने ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा उस व्यक्ति के अंदर फाइनेंशियल गेन की एबिलिटी इंक्रीज़ होती जाती है, उस व्यक्ति की उतनी ज़्यादा इनकम इंक्रीज़ होती जाती है, उस व्यक्ति का बैंक बैलेंस उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि इन लोगों का अगर कोई पैसा मार लेता है, जैसे कि आपने किसी को पैसा उधार पर दे दिया और आपका किसी ने पैसा मार लिया, तो उस समय तो आपको लगता है कि भाई मेरा लॉस हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूचर में ऐसे लोगों का फाइनेंशियली, जैसे कि अगर कोई किसी का पैसा मार रहा है तो सीधी सी बात है नुकसान होना चाहिए, मगर
धीरे 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 उनकी इनकम में वृद्धि होती जाती है और उनको कभी ये फील ही नहीं होता कि किसी ने मेरा पैसा मार लिया था, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा कोई लॉस में हूँ या बहुत ज़्यादा मेरा कोई नुकसान हुआ है। इस वजह से ये भी देखा गया कि सेकंड लॉर्ड जब सिक्स हाउस में होता है, ये लोग लोन्स वगैरह लेते हैं तो इसको बहुत ही आसानी से चुका पाते हैं और लोन्स मिलने में भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता, इजीली इन लोगों को लोन्स भी मिल जाते हैं। ये अभी बैंक में एप्लीकेशन लगाया, मुझे लोन चाहिए, तो मिल जाते हैं, इनकी सिविल ठीक ठाक होती है। कई बार ऐसे भी कह सकते हैं कि फैमिली का स्टेटस कुछ इस तरह का होता है, फैमिली का बैकग्राउंड कुछ इस तरह का होता है कि जिस वजह से इनकी एक अच्छी खासी सिविल बन जाती है और इनको एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट का लोन भी मिलने में बहुत आसानी होती है। तो इस तरह से जन्म कुंडली का सेकेंड लॉर्ड जब भी सिक्स हाउस में बैठेगा तो आपको मिक्स रिजल्ट देगा, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको केवल उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स पर वर्क करना है और आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत ही प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाएगी और एक जादू की तरह सेकंड लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठकर आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहेगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।